हेलो फ्रेंड, आज हम लोग हैं अभी गांधी मैदान में और जैसे मैंने कहा था कि 26 जनवरी से हमारी एक हैशटैग अभियान शुरू होगी, हैशटैग सेल्फ जेल, जहां पे हमारा टॉपिक है कि सोशल मीडिया के एक्सेसिव यूज़ से किस तरह से लोग उसके कैद में आ गए। इट मीन्स कहने का तो अब लोग उसको नहीं, सोशल मीडिया को नहीं चला रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया उनको चला रही है। ये एक हैशटैग अभियान है और अभी हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे जानेंगे कि लोगों का क्या है। जैसे अभी इधर दिखाओ, एक सर्वे है सोशल मीडिया को लेके कि सोशल मीडिया को हम लोग चला रहे हैं या सोशल मीडिया हम लोगों को चला रही है। इसका जवाब है ये लग, क्या ये पढ़ाई करते हो? पढ़ाई करते हो? हाँ करते हैं। करते हो ना, तो पढ़ाई करते समय ऐसा कभी लगता है कि व्हाट्सएप पे क्या आया, फेसबुक पे आया कि वो चेक कर लेते हैं, ऐसा कुछ आता होगा दिमाग में? हाँ। तो ये कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि सोशल मीडिया के कैदी हो चुके हैं हम लोग? लगता हाँ, है ऐसी बात ऐसा है ना। हाँ। तो यही मेरा सवाल है कि हम लोग सोशल मीडिया को चला रहे हैं या सोशल मीडिया हमको चला रहे हैं? हम लोग चला रहे हैं, सोशल मीडिया हमको नहीं चला रही है ना, चाहते हुए बहुत बार नोटिफिकेशन, दोनों बोथ है, बोथ है, कंबाइन किया हुआ है दोनों। तो इससे कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन आता होगा? डिस्ट्रैक्शन मतलब कहने का कि वहाँ से कंसंट्रेशन खत्म होता होगा? हाँ होता है, फेसबुक चाहे व्हाट्सएप या यूट्यूब जो भी है, कोई भी मीडिया है, तो कहीं ना कहीं इसे बाहर होना चाहिए स्टूडेंट को, बाहर होना चाहिए। ये कहा कि एक्सेसिव यूज यानी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम लोग, हाँ तो नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन हम लोग फेसबुक से जुड़ते हैं, उससे जो भी मैसेज, फेक मैसेज वो तो अलग होता है, जो मैसेज आता है हम लोग जैसे फ्रेंड ग्रुप में तो वो सब इम्पोर्टेंट रहता है कि कहाँ से क्या, तो इम्पोर्टेंट रहता है, उसका एक टाइम टेबल होना चाहिए ताकि पढ़ाई टाइम होना चाहिए। लेकिन ऐसा मेंटेन होता है कि नहीं, तो पूछ, यही तो सवाल है। हाँ मेंटेन होता है, मेंटेन होता है पढ़ाई में, ये डिस्टर्ब करता है या नहीं करता? पढ़ाई में तो डिस्टर्ब होता ही है। तो इसे बाहर आने का तरीका क्या है ये बताओ? बाहर आने का तरीका है कि मतलब हम खुद पर कंट्रोल रखेंगे कि हम लोग कैसे मोबाइल का यूज़ करेंगे। हाँ। कब वेस्ट टाइम बचा है, जैसे पढ़ने के बाद हम लोग यूज़ कर सकते हैं मोबाइल, अभी से ये इस पे काम करना शुरू हो जाएगा? हाँ कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ चलो अच्छी बात, ठीक है, थैंक यू। सोशल मीडिया से रिलेटेड एक सवाल है, सोशल मीडिया से रिलेटेड एक सवाल है कि सोशल मीडिया को हम लोग चला रहे हैं या सोशल मीडिया हम लोगों को चला रही है? सोशल मीडिया को हम लोग चला रहे हैं। तो पढ़ते हो अभी? yes. तो पढ़ाई के दौरान ये लगता है कि बीच बीच में नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं या व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर चले जाते हैं या कुछ ऐसा होता है? yes. नहीं चाहते हुए भी ऐसा होता है? yes. तो ये नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया हम लोगों को चला रही है, हम लोग कहीं ना कहीं कैद हो गए उसके चक्कर में? हम लोग चला ही रहे हैं लेकिन हम लोग चलते ही तो वो चला है। नहीं चलते की बात नहीं है, क्वेश्चन ये है हमारा कि जब अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे हम नोटिफिकेशन चेक नहीं भी करें, ठीक है एक बार सुनना आप लोग, नोटिफिकेशन चेक नहीं करें, फेसबुक व्हाट्सअप चेक ना भी करें, तब भी क्या हमारा काम चल सकता है? ऐसा कुछ तो होता नहीं है। लेकिन हम जब इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, वो पढ़ाई हो, नौकरी हो या कुछ भी हो, तब भी हम लोग ना चाहते हुए भी वहाँ पर चले जाते हैं और हम लोग बार बार चेक करते हैं। आप अगर कोई फ़ोटो अपलोड किया या कुछ भी किया तो वहाँ लाइक आ रहा है कि नहीं, किस तरह के कमेंट आ रहे हैं कि नहीं, ये सारा इम्पैक्ट डालता है हमारे लाइफ में, डालता है, इससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती ही होती है, ठीक है होती है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सोशल मीडिया को चलाते चलाते हम लोग उसके ऐसे कैदी हो गए हैं जब सोशल मीडिया कंपेल कर रही है कि हम लोग जाके सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें। अगर ये कहा जाए कि दिन भर फेसबुक और व्हाट्सअप से को ना चलाया जाए तो दिमाग में ऐसा मैसेज नहीं आएगा कि कहीं ना कहीं बेचैनी आ जाती है, एक बार देख लेते हैं उस फोटो पे क्या आया, इस पे क्या आया। तो कहीं ना कहीं अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में प्रॉब्लम तो आती होगी, इसके लिए कंसंट्रेशन तो हिलता ही होगा ना कुछ थोड़ा। अगर एक मिनट के लिए इमेजिन कर लेते हैं कि सोशल मीडिया नहीं है, ठीक है फेसबुक नहीं है, व्हाट्सअप नहीं है, कुछ भी नहीं है इस तरह का, यूट्यूब कुछ भी नहीं है, एक बार फील करके देखो तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग के बाहर नहीं चली जाएगी, उसका सिर्फ किताब दिखेगा या अपना जो लक्ष्य है वो दिखेगा। yes. लेकिन सोशल मीडिया के कारण कहीं ना कहीं ये तो दिक्कत आती है। yes. कंसंट्रेशन हटता है। yes. होता है। इसका सोल्यूशन क्या है ये बताओ? इसका सोल्यूशन यही है, अपने आप पे कॉन्फिडेंट करिए और कहने का मतलब अपने आप को रोकिए इसे। तो अपने आप होना चाहिए ना, ये सोल्यूशन होना चाहिए ना। तो इस पर करोगे आज से काम? और सही कह रहा हूँ या गलत है ये? सही। ये होता है नौकरी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये चीज़ें होती है ना कहीं, और इसके कारण हम लोग मतलब इसलिए एक हैशटैग सेल्फ जेल करके एक प्रोग्राम चला रहा हूँ मैं, ठीक है, जहाँ पे ये देखना है कि ये एक्सेसिव यूज़ के कारण सोशल मीडिया के जो पढ़ाई है वो भी नहीं हो पा रहा, एक अंदर बेचैनी आ रही है चीज़ों को लेकर, 10 मिनट भी हम लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं और तुरंत कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन देखते हैं, एक फ़ोटो अपलोड किया नहीं, इवन फोटो खिंचवाने के चक्कर में कितने लोगों की डेथ हो चुकी है सेल्फी के चक्कर में, हो गया है अभी 2 दिन पहले की कहानी है, 800 फीट ऊपर अमेरिका में फ़ोटो खिंचवा रहे तो उनकी कपल की डेथ हो गई,
तो ये क्या है, सोशल मीडिया पे ही डालना है, ठीक है, वहाँ के लाइक और वहाँ के जो कमेंट है उसका ज़्यादा वैल्यू है खुद के लाइक और कमेंट के, ऐसा हो रहा है ना, और इससे बाहर भी आना चाहिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है, ठीक है। तो इससे बाहर आने के लिए तरीका क्या होगा ये बताओ आप लोग, कुछ ऐसा तरीका है बताओ, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बाहर, आना चाहिए ना, ये यूज अच्छे सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि वो अब नुकसान भी पहुँचा रही है, ठीक है, हो रहा है ना ऐसा, नुकसान पहुँचा रही है, और ख़ास करके स्टूडेंट के लिए तो ये खतरनाक हो रही है, खतरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि वो एक घंटा भी नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, ऐसा बहुत लोग होंगे जो एक घंटा भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं कंटिन्यू, बीच में कुछ ना कुछ चेक कर लेते हैं, ऐसा होता है, होता है ऐसा, ठीक है। तो इससे बाहर निकलने का तरीका आप ही लोग के पास होना चाहिए, तो तरीका क्या है, या इसके बाद कम से कम कोशिश तो करोगे बाहर निकलने का कि नहीं, ये बताओ, कोशिश करोगे पक्का, तो इससे करोगे ना, इससे रिलेटेड हो सके तो अपने ही फेसबुक पे यो व्हाट्सएप पे इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें डालो, ताकि खुद भी बाहर आए और उससे देख के और भी लोग बाहर आए, यही मेरा मकसद है, ठीक है। यूज करें अपना, हाँ ये आप इसको डालो, हैशटैग सेल्फ जेल करके भी आप डाल सकते हैं, ताकि लोग उसको देखें और पढ़ें, यही मेरा मकसद है कि सोशल मीडिया के कारण जो भी इम्पैक्ट आ रहा है पॉजिटिव है, अच्छा चीज़ है, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, लेकिन एक्सेसिव यूज़ इतना ज़्यादा हो रहा है कि हमारा कंसंट्रेशन लेवल, हमारा जो पेशेंस है बर्दाश्त करने की क्षमता जा रही है, यहाँ पे म्यूजिकली और बहुत सारे ऐप है जिसको यूज़ आप लोग कर रहे होंगे, सही बात है। अब ये देखो, पहले लोग 3-3 घंटे की मूवी देख लेते थे, अब 15 सेकेंड भी अगर म्यूजिकली का या 20 सेकेंड भी म्यूजिकली का कोई वीडियो आता है तो वो भी पसंद नहीं आता, लोग उसको स्किप कर देते हैं, यानी जो पेशेंस लेवल है वो कमता जा रहा है हम लोगों का, ऐसा हो रहा है। ये सारा चीज़ इसीलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर ये चीज़ें हैं सोशल मीडिया के कारण, कंसंट्रेशन हम लोग किसी भी चीज़ पे नहीं कर पा रहे, और ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही खतरनाक बनता जा रहा है, इसीलिए आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से, इससे बाहर आओ, नहीं तो एक बहुत अच्छा लाइफ है वो निकल जाएगा और बाद में दिक्कत होगी, ठीक है। सोशल मीडिया यूज़ करते हो? यस सर, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा करते हो, ऐसे ही तो चाहिए उसके, कम से कम 12 घंटा, कम से कम। अच्छा, ये देखो ये मतलब गौरवान्वित है सोशल मीडिया, इससे कुछ नहीं, नहीं सर, हाँ। कुछ मिलता नहीं है, लेकिन अब खुद बाहर आने का सोचते हो ही नहीं रहे, बोर्ड का एग्जाम है सर इस पर।